न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बाल श्रमिक विद्या धन योजना का लोकार्पण। अनाथ बच्चों से कहा खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के एक गांव के 7 वर्षीय बच्चे के साथ उसी गांव के 2 नाबालिगों ने किया सामूहिक अप्राकृतिक कुकर्म। मां की तहरीर पर मुकदमा हुआ पंजीकृत। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा जांच कर की जाएगी विधिक कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त मनरेगा ने किया जिले के मनरेगा के कार्यों की समीक्षा। कहा मनरेगा के कार्यों पर रखे ध्यान, न होने पाए कोई चूक। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग की मंडलीय बैठक। सरकारी व गैर सरकारी हॉस्पिटल में ऑनलाइन ओपीडी चलाने पर हुई चर्चा। मंडलायुक्त ने कहा ई हॉस्पिटल से होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। संपत्ति विवाद में सगे भाई द्वारा की गई थी मुंबई से आए कपड़ा व्यापारी की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपित भाई विजय अपने बेटे व अन्य के साथ चल रहा है फरार। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने किया खुलासा। कहा शेष अभियुक्तों की होगी जल्द गिरफ्तारी। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंधित बैठक। प्रवासी मजदूरों का डेटा तैयार कर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट हब के रूप में विकसित करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चौरी चौरा तहसील में आयोजित हुआ COVID-19 जागरूकता शिविर। RBS के टीम के चिकित्सकों द्वारा कामगारों श्रमिकों एवं ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ राजस्व मामलों का भी हुआ निस्तारण। BRD मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के बाद एक स्टाफ नर्स का आया कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। जिले में मौजूदा समय में 151 है कोरोना के मरीज। 79 ठीक होकर जा चुके हैं घर। अब तक 8 की हो चुकी है मौत। एक्टिव केस की संख्या हुई 64। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। जिलाधिकारी ने किया चौरैया गोला स्थित शीतला माता मंदिर पर स्थापित पैडल संचालित हैंड वॉश मशीन का उद्घाटन। कहा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए समय समय पर धुले अपने हाथ, जिससे कोरोना महामारी से मिल सके निजात। और शुक्रवार को शहर की तमाम मस्जिदों में केवल 5 से 7 लोगों ने जमात बनाकर अदा की जुमा की नमाज। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में पढ़ी जुमे की नमाज। पुलिस मुस्तैदी से गश्त करती आई नजर।